हम सभी के बीच उपस्थित सम्माननीय श्री मोहन मिश्रा जी, कृपा शंकर सिंह जी, अमरजीत मिश्रा जी, संजय पांडे जी, श्वेता शालिनी जी, मंचासीन सभी महानुभाव और यहाँ पर सब सूर्य को अर्घ्य देने के लिए उपस्थित हुए मेरे बहनों और भाइयों, आप सभी को मैं इस छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और छठी मैया से प्रार्थना भी करता हूँ कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। जो भी आपके मन में है वो सारी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए छठी मैया आपको आशीर्वाद दे। हम सभी जानते हैं कि भगवान सूर्य नारायण एक असीम ऊर्जा के अधिपति है और ये जो सारा संसार चलता है उन्हीं की ऊर्जा से चलता है। हमारा जीवन भी उन्हीं की ऊर्जा के बदौलत सांस ले रहा है, हमारा अन्न भी उन्हीं की ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है। तो हमारे हर सांस पर भगवान सूर्य नारायण का कर्ज है और जब हम छठी मैया का यहाँ पर महोत्सव मनाते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उसी समय हम सूर्य नारायण को भी अर्घ्य अर्पित करते हैं और एक प्रकार से धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं कि आप है तो हम है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि इसी कारण से छठी मैया की आशीर्वाद भी हम सभी को प्राप्त होते हैं। और पिछले अनेक वर्षों से यहाँ पर जो हमारी छठ व्रत समिति है उसके माध्यम से बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं की जाती है और विशेष रूप से जब से पिछले समय अपनी सरकार आई, अभी वापस अपनी सरकार आई, तो हमने यह प्रयास किया कि यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए पूरी की पूरी व्यवस्थाएं हो और आज ये सारी व्यवस्थाएं हमको देखने को मिलती है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे माताएं बहनें बहुत बड़े पैमाने पर इस व्रत में उपवास रखकर और पूजा भी करती है और सूर्य नारायण की आराधना, छठी मैया की आराधना भी करती है। और मेरा विश्वास है कि आप सभी की ये जो आराधना है इसके कारण हमारा देश आगे बढ़ता है। और वैसे भी हम सभी जानते हैं कि देश को प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में एक ऐसा ऊर्जावान नेता मिला है जो हमारे जितने भी त्योहार हैं उन त्योहारों को खुले मन से मनाने की व्यवस्था आज हमारे देश में हमको दिखाई पड़ती है। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि कहीं ना कहीं उसी स्वर्णिम भारत की ओर हम सारे के सारे लोग जा रहे हैं जिसकी संकल्पना और परिकल्पना हम सबने की थी। और मेरा विश्वास है कि आज फिर एक बार ये हमारी आराधना हमें उसी ओर ले जाएगी। वैसे छठी मैया को हमारे देश के लिए तो हम मांगते ही हैं, आप सबके लिए तो मांगते ही हैं, लेकिन आज एक और आशीर्वाद मांगने की जरूरत है क्योंकि आज हमारी टीम फाइनल में खेल रही है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और छठी मैया का आशीर्वाद मिलेगा तो भारत जरूर ये मैच जीतेगा, तो वो भी आशीर्वाद मैया हमको प्रदान करे, ऐसा उसके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। फिर एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूँ और हर वर्ष आप मुझे यहाँ निमंत्रित करते हैं, छठी मैया की पूजा अर्चना करने का मौका देते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय छठी मैया।